questions. So these are the basic questions which the interviewer will ask you in the any BIM job opportunities. So we will discuss each and every question. And with me here is Shyam Chandra, the plumbing engineer. BIM company के लिए interview देने तो आपसे कुछ basic question पूछे जाएंगे. उसमें जैसे कि आप आपको फर्स्टली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बिलोंग करते हैं, एजुकेशन क्या है, और ये आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है वो बताएं. उसके बाद है कि आपके लिए एडवांटेज होगी कि आपने किसी रेविट सॉफ्टवेयर में काम किया है, लाइक रेविट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं. अगर आपने कोई कैड का सॉफ्टवेयर आपने सीख रखा है, आपने अगर कोई आपके रेविट वगैरह सॉफ्टवेयर ले रखे हैं, नेविस का अगर आपने कोर्स कर रखा है, तो वो आपके लिए एक एडवांटेज है. तो उससे आप आपके जो है इंट्रोडक्शन में जरूर इन्वॉल्व कीजिए उन चीजों को. आपके लिए बहुत आपसे जो सॉफ्टवेयर संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें ऑटोकैड, रेविट और रेविट. आजकल इंडस्ट्री में ऑटोकैड से ज्यादा रेविट एडवांस वर्जन आ गई है, तो रेविट पे ज्यादा फोकस रहता है. आपने रेविट का ट्रेनिंग ले लिया तो बहुत फायदेमंद होगी. ऑटोकैड लेकिन जानना जरूरी है, इसको मदर ऑफ सॉफ्टवेयर बोले जाते हैं ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए. सो ऑटोकैड में जितनी अच्छी नॉलेज होगी रेविट में आपको हेल्प मिलेगी. फिर रेविट के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे आप जानते हैं मल्टी डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर में है, यानी आर्किटेक्चरल इस तरह के डिपार्टमेंट में ये सॉफ्टवेयर काम करते हैं. सो आपके बेसिकली जो है कैड का आपको ये पूछा जाता है कि जो आपका कैड सॉफ्टवेयर जो प्लेटफॉर्म था कौन से ईयर में आपका रिलीज हुआ था, रेविट आपका फर्स्ट कौन से में रिलीज हुआ था. ये बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आपकी अवेयरनेस का पता चलता है कि आप वेब फील्ड के सॉफ्टवेयर को लेकर कितने अवेयर है मार्केट में. बेसिक एडवांटेजेस जो रेविट के एडवांटेज है, जो कि कैड के मुकाबले आपको रेविट में ज्यादा एडवांटेज मिलते हैं. आप देख सकते हैं मल्टी डिसिप्लिन सॉफ्टवेयर, एक तरीके से आप सारी जो डिसिप्लिन है आपकी प्लम्बिंग, वाटर सप्लाई, एचवीएसी, इलेक्ट्रिकल, सारे आप रेविट के अंदर वर्क कर सकते हैं एक ही फाइल के अंदर. आपको पैरामेट्रिक फैमिलीज बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, आपको 3D मॉडल और स्केड्यूल, BOQ वगैरह सब आपको रेविट के अंदर एडवांटेज यहाँ पर मिलते हैं. जो हमारा बेसिक कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं हमारे रेविट के अंदर, कि जो फैमिली क्रिएशन है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, और कुछ जो कंपेटिबिलिटी है और बिग फाइल को लेकर अभी भी रेविट जो है थोड़ा बहुत स्लो है, उसमें एरर्स और वार्निंग अभी भी थोड़ी है. इसके साथ जो है हमारे बेसिक रेविट एलिमेंट्स होते हैं. इसके अंदर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक रेविट एलिमेंट्स, जो रेविट के मेन एलिमेंट्स होते हैं कौन कौन से होते हैं. इसमें फर्स्ट जो हमारा आंसर होता है मॉडल एलिमेंट्स, जो कि हम मॉडल करते हैं, जैसे कि डोर, विंडोज, अगर आप प्लम्बिंग है तो आपके पाइप्स हो गए, वाटर सप्लाई के ड्रेनेज, HVAC आप डक्ट वगैरह होगी, इलेक्ट्रिकल की केबल ट्रेस. तो ये बेसिक हमारे मॉडल का एलिमेंट्स होते हैं जो कि हम मॉडल यहाँ पर हमारे रेविट के अंदर ड्रॉ करते हैं. सेकेंड होता है हमारे डेटम एलिमेंट्स, जो कि होते हैं लेवल्स और ग्रिड. ये जो होते हैं हमारे बिल्डिंग्स के लेवल को डिफाइन करते हैं, और जो ग्रिड्स के जो आपका ग्रिड्स इंटरसेक्शन है, जो भी आपके कॉलम पे जो ग्रिड्स हम डिफाइन करते हैं, वो हमारे डेटम एलिमेंट्स के अंदर यहाँ पर आते हैं ये सारे. थर्ड है आपके वी स्पेसिफिक एलिमेंट, जिसमें आपके अनोटेशन. तो थ्री टाइप के आपके रेविट एलिमेंट्स होते हैं. ये क्वेश्चन जरूर आपको इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है, जिसमें आप मॉडल एलिमेंट बोलेंगे, डेटम एलिमेंट्स और आपके वी स्पेसिफिक एलिमेंट्स आप इसमें आंसर. नेक्स्ट जो है आपको बिम की डेफिनेशन जरूर पता होनी चाहिए. आपको बिम की जो फुल फॉर्म है वो पता होनी चाहिए. जो बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन, कई जगह क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है कि बिम क्या रेविट ही बिम है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको यस नहीं देना है, क्योंकि रेविट एक सॉफ्टवेयर, एक जरिया है जिसके थ्रू बिम जो है आप किसी प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, बट रेविट इज नॉट अ बिम. आप इसे डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते. आप जो एक 3D मॉडल क्रिएट कर सकते हैं, आप शेड्यूल बना के जो है कॉस्ट एस्टिमेशन कर सकते हैं, आप शॉप ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं, क्लैश फ्री शॉप ड्राइंग आप क्रिएट कर सकते हैं, वो भी एसेट मैनेजमेंट, ये सब आपको जो है बिम के थ्रू यहाँ पर हेल्प मिलता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है डायमेंशन ऑफ बिम. देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 6D जो है आपके पास डायमेंशन रहती है बिम की. तो जब भी हमें प्रोजेक्ट मिलता है क्लाइंट की तरफ से, तो उसमें प्रोजेक्ट के स्कोप में डिफाइन होता है कि किस बिम तक आपको जो है मॉडल आपका डेवलप करना है. तो मेनली जो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1D हमारा रिसर्च एंड प्लानिंग रहता है, 2D के अंदर हम ड्राइंग्स जनरेट करके देते हैं 2D प्लान्स और व्यूज की, 3D के अंदर जो है 3D मॉडल वहाँ पर डेवलप करके देते हैं क्लाइंट. जो हमारा 4D रहता है उसके अंदर क्लस्टर जो है हम टाइम की जो है उसमें वर्चुअल कंस्ट्रक्शन, आप उसकी टाइम लाइनिंग भी बताते हैं, इक्विपमेंट डिलीवरी कैसे होगी वो भी बताते हैं. तो ये जो है 4D के अंदर जो है आप इन सब पैरामीटर्स के साथ जब आप वर्क करते हैं, तो टाइम के साथ आप वहां पर जो है प्रोजेक्ट को बताते हैं कि टाइम के साथ प्रोजेक्ट में कितना डेवलपमेंट हो रहा है. 5D के अंदर आप पोस्ट भी ऐड कर देते हैं सेम प्रोजेक्ट में. सो पोस्ट रिलेटेड जो भी चीजें होगी उन पैरामीटर्स को भी आप जो है क्लाइंट को देना स्टार्ट कर देंगे, जैसे मटेरियल टेक ऑफ देंगे आप,
आप कॉस्ट कंपैरिजन देंगे, क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन देंगे, तो ये जो है क्लाइंट को एक उसमें जो बिल्डिंग के प्रोजेक्ट में कॉस्ट कितनी लगेगी उसको डिफाइन करने में हेल्प करता है। तो ये अगर आप ऐड कर देते हैं तो ये आपके लिए 5D आप मॉडल डेवलप करके दे रहे हैं क्लाइंट को। इसी के साथ होता है हमारा 6D। 6D के अंदर जो है आप बिल्डिंग की परफॉर्मेंस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आप गोभी वगैरह जो आपके एसेट मेंटेनेंस हो गए इन पे भी आप वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। 8 जो हमारा सेफ्टी होता है। तो इस तरीके से जो हमारी डायमेंशंस होती है जो कि आपको पता होनी चाहिए बेसिक, यहाँ पे इंटरव्यूअर क्वेश्चन में जरूर पूछता है। नेक्स्ट हमारा ये LODs होते हैं। आपका फर्स्ट जो है कंसेप्चुअल डिजाइन होता है। इसमें इसमें मेनली जो होता है आपके डिजाइन पे फोकस किया जाता है। LOD 200 इसमें स्केमेटिक्स पे भी हम जो है वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। 300 आपकी डिटेल डिजाइन होती है कि आपको डिजाइन जो भी आपके HU हो गए, FCUs वगैरह हो गए, आपके प्लम्बिंग वाटर सप्लाई से रिलेटेड जो पंप वगैरह हो गए उनको आपको थोड़ा इस पे डिटेल डिजाइन करके आपको ड्राइंग देनी होगी। 350 होता है कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट कि आप कंस्ट्रक्शन के लिए उसे दे सकते हैं, कंस्ट्रक्शन इससे स्टार्ट किया जा सकता है, तो कंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट होता है। 400 होता है फेब्रिकेशन, अगर कोई पार्ट आपका फेब्रिकेशन करने जैसा कि HVAC मोस्टली होता है तो उसके लिए आपके पास फेब्रिकेशन और असेंबली LOD 400 जितनी डिटेल आप उस ड्रॉइंग के अंदर देते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर वो अपने प्लांट पर फेब्रिकेट कर सके उन पार्ट्स को। 500 है कि आपकी जो है ड्राइंग से जो साइट पर वर्क हुआ है उसमें कुछ वेरिएशन हुआ है बिकॉज ऑफ साइट की रिक्वायरमेंट थी, वहां पर कुछ क्लैशेस थे जो कि ड्राइंग्स में रिजॉल्व नहीं हुए या कुछ ऐसे साइट की रिक्वायरमेंट थी उनको डेविएशन करना पड़ा आपकी LOD 400 से, तो उनके हम रेड लाइन मार्कअप के जरिए जो है एज बिल्ट में रिकॉर्ड करके वापस उन शीट को अपडेट करके रखते हैं फाइनल की अब जो है एज इट इज साइट पे जो कंडीशन है उसे एज बिल्ट हम यहाँ पर बोला जाता है। सो ये था हमारा बेसिक। नेक्स्ट लिस्ट, इसमें आपके बेसिक अब जो है रेविट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आपको असेंबली ग्रुप के बारे में डिफरेंस पूछा जाता है जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैरामीटर्स के बारे में आपसे जरूर पूछा जाता है, आपके रेविट में कितने तरीके के पैरामीटर्स होते हैं, जो आपके फैमिली पैरामीटर्स होते हैं जो आप रेविट के अंदर जो 3D मॉडल बनाते समय जो फैमिलीज का यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप आर्किटेक्चर है तो चेयर वगैरह का आप यूज करते हैं, अगर आप प्लम्बिंग से है तो पंप वगैरह की कोई फैमिली आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें कुछ पैरामीटर्स आपको जो फिल करते हैं उन्हें आप फैमिली पैरामीटर्स कहते हैं जो आप फैमिली एडिटिंग में जाकर एड करते हैं। तो आपके जो फैमिली पैरामीटर्स होते हैं इसमें आपके टाइप पैरामीटर्स आप क्रिएट कर सकते हैं किसी भी पैरामीटर को। फॉर सपोज अगर आप जो है एक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं उसकी हाइट का आप पैरामीटर दे रहे हैं, तो जो हाइट का पैरामीटर है उसे आप टाइप पैरामीटर भी बना सकते हैं और उस सेम पैरामीटर को आप जो है इंस्टेंस पैरामीटर भी बना सकते हैं। तो ये जो आपके बेसिक्स है, हम डिटेल में हमारी रेविट ट्यूटोरियल की सीरीज में एक एक चीजों को इसमें डेवलप करेंगे, बेसिक्स से स्टार्ट करके आपको इन सब चीजों के बारे में डिटेल में वहां पर जो है ट्रेनिंग दी जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पैरामीटर्स होता है फैमिली पैरामीटर्स के बाद हमारा शेड पैरामीटर होता है। इसी के साथ ये जो आपको सारे 5 पैरामीटर्स हमारे बिम रेविट में आपको अवेलेबल होते हैं उन 5 पैरामीटर्स की जो लिस्ट है आपको नीचे अवेलेबल है। फैमिली पैरामीटर, शेड पैरामीटर, प्रोजेक्ट पैरामीटर, ग्लोबल पैरामीटर और सिस्टम पैरामीटर। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पैरामीटर्स के बारे में तो आपको इन सारे पैरामीटर्स का नाम देना है और ये इनका जो है डिफरेंस होता है। जो आपके फैमिली पैरामीटर्स होते हैं उसे आप स्केड्यूल के अंदर नहीं एक्सपोर्ट कर सकते जो आप रेविट से स्केड्यूल बनाते हैं, और ना ही आप उस पैरामीटर का कोई टैग क्रिएट करके टैग दे सकते हैं आपके बॉक्स को किसी भी प्लान के अंदर। तो ये जो है डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर शेड में जो है आपको स्केड्यूल में भी अवेलेबल होता है और टैग्स में भी अवेलेबल होता है, इसलिए जो शेयर्ड पैरामीटर है वो मोस्ट पॉपुलर होता है। जब भी हम स्केड्यूल चाहते हैं उस पैरामीटर से रिलेटेड अगर आप कोवी करते हैं तो ये पैरामीटर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये हमारा पैरामीटर्स की लिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग व्यूज जो कि आपके 2D, अगर आपको कोई 2D डिटेल्स बनाना चाहते हैं आपकी ड्राइंग्स की तो उसके लिए आप ड्राफ्टिंग व्यू का यूज करते हैं, ना कि हमारे जो 3D मॉडल स्पेस होता है। इसमें ओनली हम जो है लाइंस और जो भी आपके सर्कल वगैरह आप रेक्टेंगल वगैरह आप इनसे क्रिएट करके एक ड्राफ्टिंग शीट क्रिएट कर सकते हैं आपकी डिटेल्स से रिलेटेड। इसमें कोई भी मॉडल आपको जो बिल्डिंग जो मॉडल होता है वो एसोसिएटेड नहीं होता। पूछा जाता है लिंक वर्सेस इंपोर्ट। लिंक और इंपोर्ट जो कि आप रेविट कैड भी करते हैं और आप अदर लिंक्स भी उसमें इंपोर्ट करते हैं तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो जो आपका लिंक होता है वो उस मॉडल का पार्ट नहीं होता। लिंक जब भी आप करते हैं तो वो जिस पार्ट से भी आपने उसे लिंक किया है अगर वहां पर से फाइल रिमूव हुई तो पार्ट भी वहां से अनलोडेड हो जाएगा, तो वो एक पार्ट नहीं रहता लिंक। So original, आप देख सकते हैं if we link CAD file in Revit then changes made in original CAD file will be reflected in Revit file। और इसी के साथ जो भी आप original changes करेंगे उस linked file पे, जैसे आप sync लेंगे वापस Revit में तो वो जो है जो भी आपने changes किए तो वो update हो जाएंगे। पर जो import होता है import में उस same path से वो file कनेक्शन टूट जाता है उसका और अब वो आपके रेविट का ही पार्ट बन चुकी है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, उसमें इंपोर्ट हो चुकी है और वो अपना जो मेन जिस पास से आपने उसे इंपोर्ट किया उस पास से जो है वो कनेक्शन तोड़ चुकी है।
ये डिफरेंस पूछा जाता है। इसके बाद फैमिली जो होती है आपकी, कितने तरीके की हमने आप क्रिएट कर सकते हैं फैमिलीज, जो आपकी थ्री तरीके की फैमिलीज होती है, सिस्टम फैमिलीज जो कि आपके रेविट में इनबिल्ट आपको मिलती है, वॉल फ्लोर रूफ। और नेक्स्ट होता है हमारा लोड करने वाली, जो आप लोड कर सकते हैं बाहर से, जो कि आपके डोर विंडोज फर्नीचर, आप जो है आप अगर एचवेक के तो आप एचवेक के एलिमेंट जो है वहां पर लोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन प्लेस फैमिलीज, जो कि आप मॉडल में जो आपका रेविट प्लान है करंट प्लान उसी के अंदर फैमिली क्रिएट कर सकते हैं, बट उस फैमिली को आप सेव नहीं दे सकते, ये आपकी इन प्लेस फैमिलीज होती है। और इसी के साथ जो है आप फैमिलीज क्रिएट कर सकते हैं, इन सारी होस्टेड आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। तो ये हमारा बेसिक फैमिलीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है पैरामेट्रिक फैमिलीज से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर बनता है कि जो पैरामेट्रिक फैमिलीज होती है वो क्या होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं इन पैरामेट्रिक फैमिलीज वी कैन असाइन वेरियस पैरामीटर टू फैमिली एंड इट कैन बी चेंज इन प्रोजेक्ट इटसेल्फ विदाउट एडिटिंग द फैमिली। तो आपको फैमिली एडिट करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है करंट प्रोजेक्ट में आप काम कर रहे हैं, बॉक्स की लेंथ विथ हाइट आपको चेंज करनी है तो आप पैरामेट्रिक फैमिली बनाएंगे और करंट प्लेन में लेंथ की वैल्यू आप 500 डालेंगे, 1000 चेंज करेंगे तो फैमिली का साइज चेंज होता जाएगा। तो ये जो फैमिलीज होती है हमारी पैरामेट्रिक फैमिलीज होती है। तो ये फैमिलीज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे जो है कवर रहता है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके बाद जो है आपका इंटरनल ओरिजिन, प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट, ये जो आपके थ्री पॉइंट्स होते हैं इनके बारे में डिफरेंस पूछा जाता है। जो हमारा इंटरनल ओरिजिन होता है ये आपका जो बेसिक जो रेविट का सेंटर होता है उसे हम इंटरनल ओरिजिन कहते हैं। आप देख सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इंटरनल कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच प्रोवाइड द बेसिस फॉर पोजीशनिंग ऑल एलिमेंट्स इन द मॉडल। सो लोकेशन ऑफ इंटरनल ओरिजिन नेवर मूव्स, ये मूव्स नहीं होती, ये रेविट का हमारा सेट पॉइंट होता है इंटरनल ओरिजिन। प्रोजेक्ट बेस पॉइंट जो होता है हमारा सर्कुलर आइकन आपको मिलेगा, ये जो होता है आपके इंटरनल, आपके जो कोऑर्डिनेट है डिफरेंट, अगर आप सर्विसेज पर वर्क कर रहे हैं तो इंटरनल कोऑर्डिनेट करने के लिए आप प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का यूज कर सकते हैं। द प्रोजेक्ट बेस पॉइंट कैन बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ रेफरेंस फॉर मेजरिंग डिस्टेंस एंड पोजीशनिंग ऑब्जेक्ट इन रिलेशन टू द मॉडल। आप उस पॉइंट से लेकर जो आपके बिल्डिंग्स के कुछ मेजरमेंट और पोजिशनिंग वगैरह चेक कर सकते हैं। सर्वे पॉइंट जो होता है यह हमारा इंटरनल हमारे वर्क के लिए हो गया। सर्वे पॉइंट होता है कि आपकी बिल्डिंग एग्जैक्टली आपके वर्ल्ड में किस पॉइंट पर जो है सेट है, तो सर्वे पॉइंट का यूज करके आप एग्जैक्टली आपके बिल्डिंग को उस लोकेशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं। और सॉफ्टवेयर हमारे पास अवेलेबल होते हैं जीआईएस वगैरह, जैसे उनका उन प्लेटफॉर्म का यूज करके आप आपके बिल्डिंग को एग्जैक्टली, अगर आपकी बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल आपकी बिल्डिंग अगर दिल्ली में कहीं सेटअप है तो आप सेम प्लेस प्लेस पे जाकर जो है आपके बिम मॉडल को उस बिल्डिंग पे प्लेस कर सकते हैं। तो सर्वे पॉइंट वगैरह का इसमें हमें यूज होता है, फिजिकल जो वर्ल्ड की एग्जैक्ट लोकेशन है उन कोऑर्डिनेट्स को हम सर्वे पॉइंट के थ्रू फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा व्यू रेंज वगैरह से रिलेटेड जो है हमारे क्वेश्चन रहते हैं, फ्लोर प्लान, आप प्लान जो है सीलिंग प्लान फ्लोर प्लान में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ये आपकी व्यू रेंज होती है बेसिक, जिसमें कि आपको पॉइंट्स पूछे जाते हैं व्यू रेंज से रिलेटेड, तो आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं। सेंट्रल फाइल और मैच लाइन वगैरह की ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये सब शॉर्ट रेंज से रिलेटेड है। आपके शीट क्रिएशन वगैरह में मैच लाइन का क्या यूज है आपका, उसके बाद वर्क सेट का क्या रोल होता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो आप डिफरेंट डिफरेंट वर्क सेट वहां पर क्रिएट कर सकते हैं, प्लम्बिंग एचवेक के लिए, मैकेनिकल के लिए और आपके वाटर सप्लाई फायर प्रोटेक्शन सबके लिए आप वर्क सेट अलग क्रिएट करते हैं, ताकि जो है प्रॉपर बंदे अपने वर्क सेट में ही काम करे, एक दूसरे के एलिमेंट को आप डिस्टर्ब ना करें। कॉपी मॉनिटर, जब भी आप वर्क करते हैं आपके एमवीपी वगैरह एलिमेंट्स पर आप काम करते हैं तो आप आर्किटेक्चर से ग्रिड वगैरह जो लेवल्स कॉपी करते हैं कॉपी मॉनिटर का आप यूज करते हैं, तो ये कॉपी मॉनिटर का यूज आपसे पूछा जाता है और इससे जो आप मॉनिटर भी कर सकते हैं सेम लिंक में अगर वो एलिमेंट में वापस कुछ चेंज होता है। तो ये हमारे मेन क्वेश्चन रहता है। टेम्पलेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, टेम्पलेट आपको अवेलेबल होती है कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्चर प्लम्बिंग मैकेनिकल, अलग अलग टेम्पलेट में जो है आपको थोड़ा थोड़ा चेंज देखने को मिलता है, उस टेम्पलेट के मटेरियल्स उस टेम्पलेट की फैमिलीज उस टेम्पलेट से रिलेटेड जो है आपको सेटिंग्स उसमें ज्यादा अवेलेबल होगी। तो आप अगर प्लम्बिंग के तो प्लम्बिंग टेम्पलेट का यूज कीजिए, प्रोजेक्ट के हिसाब से आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है। आपका बेसिक ओवरव्यू रहता है बिम इंटरव्यू के लिए, जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को एकदम सॉफ्टवेयर वगैरह से रिलेटेड जो है पूछा जाता है कि आपके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस रहते हैं लास्ट में, बिम क्या होता है, आपके फैमिली कितने टाइप की होती है, टाइप इंस्टेंस पैरामीटर में आप डिफरेंस बताइए, एलओडीज आपकी कितनी होती है, 3D 2D बिम्स में आपकी क्या डिफरेंस है। तो ये बेसिकली हमारा जो है बिम इंटरव्यू के लिए आपका जो है एक टेक्निकल राउंड के क्वेश्चंस रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर करना ना भूलें और बने रहे नेक्स्ट।